देखिए एस्क्रिप्शन एब्जॉर्ब, इसके पहले मैंने बताया था वो बुक के अंदर मिस्टेक है कहीं, तो मिस्टेक हम सुधार दे रहे हैं। पहले एस्क्रिप्शन देख लीजिए, एस्क्रिप्शन का मतलब होता क्या है, किसी को किसी चीज के लिए मतलब कुछ भी होता, अच्छा हो या बुरा, उसके लिए उसको हम दायित्व समझते कि इसी के कारण हुआ, वो होता है एस्क्रिप्शन। तो अकाउंट का मतलब तो मालूम है हिसाब, डिस्क्रिप्शन वर्णन, क्योर बीमारी से रोकता। तो ये एस्क्रिप्शन का ये होता है एट्रीब्यूशन, किसी को हम किसी चीज का कारण मान जब मानते हैं तो उसी वहीं पर यूज होता है एस्क्रिप्शन, इसके जगह पर यूज होता है एट्रीब्यूशन। तो उसके बाद है एब्जॉल्व, यहां देखिए फोर ऑप्शन है, पनिश, एक्विट, विदहोल्ड, एब्जॉल्व। पनिश का मतलब सजा देना, विदहोल्ड मतलब सपोर्ट करना, एब्जॉल्व मतलब वही कंज्यूम, ठीक है। सो और अगर किसी को दोषी ठहराना हुआ, दोषी ठहराना जब होगा तब हम क्या करेंगे, एब्जॉल्व की जगह एक्विट का यूज करेंगे। तो एब्जॉल्व का एक्चुअली यहां मीनिंग हो जाएगा क्या, एक्विट यानी दोषी ठहराना या दोष दिलाने के लिए। अब इसके बाद है एंटोनिम्स, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, इससे बना है ऑब्स्ट्रक्शन में रुकावट, बोलते नहीं कि तुम ऑब्स्ट्रक्शन मत बनो, मतलब मेरे काम में बाधा मत पड़ना, ऑब्स्ट्रक्ट। ब्लॉक, देखो इसका एंटोनिम खोजना है, यहां लिखा हुआ ब्लॉक, ठीक क्या है, इंस्ट्रक्ट, प्रिवेंट, क्लियर। इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, निर्देश देना, प्रिवेंट का मतलब क्या है, रोकना, और क्लियर का मतलब हमको ऑब्स्ट्रक्ट का एंटोनिम करना है सिनोनिम्स में। अगर ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम्स करेंगे तो ब्लॉक होगा, लेकिन एंटोनिम करेंगे तो क्या होगा, क्लियर, उल्टा ना, तो क्या होना चाहिए, मान लो एक ड्रेन है, यहां से पानी बह रहा है, बोले ये कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कोई रुकावट है कहीं, इसको क्लियर करो, ऑब्स्ट्रक्ट मत करो, क्लियर करो। तो ऑपोजिट क्या हो गया, क्लियर। इनकरेज्ड, इसका भी इनकरेज का मतलब क्या हुआ, उकसाया गया, उत्तेजित किया गया, प्रेरित किया गया। तो फियर का मतलब क्या हो गया, डर गया, डिजोन्ड, निकल गया हाथ से, मतलब किसी और का हो गया, त्याग दिया, डिजोन माने क्या होता है, त्याग दिया। नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट के उपेक्षा किया गया, और इनकरेज का मतलब क्या होता है, प्रेरित किया गया। ये जो डीज हम वर्ड है ना, ये निगेटिव सेंस है, जैसे एबिलिटी डिसएबिलिटी होता है, वैसे हुआ इनकरेज से बन गया डिसकरेज, ये इन हट गया और करेज में डिस, तो डिसकरेज। फिर एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरे का भला करता है, दूसरे का भला करने वाले को बोलते हैं परोपकारी। तो यह इसका एंटोनिम खोजना है। क्रूर का मतलब क्या होता है, क्रूर, जो कठोर दिल का हो,
अनकाइंड वही हो, क्रूएल और अनकाइंड में है क्या? एविल मतलब बुरा, तो क्या होना चाहिए? सत्य, जो परोपकारी है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनहेल का मतलब क्या होता है? हम लोग जो सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन खींचते हैं, वो इनहेल करते हैं, और जब छोड़ेंगे तो क्या होगा? वाह मेरी एक्सहेल, अपोजिट। और इंसर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई खाली चीज है, कोई चीज है, उसको डालना, इंसर्ट कर। हेट पता है आप लोग हमेशा रोज ही बोलते हो, आई हेट यू, आई हेट यू। एक्सट्रिकेट इंट्रिकेट का ऑपोजिट है, वो जाल बुनना होता है ना, प्लान करके नहीं सजाना, कि कैसे हम बूटी सजाएं, कि किसको हम इंट्रिकेट करें, उसी का ऑपोजिट है। एक्सट्रिकेट मतलब निकालना, इंट्रिकेट मतलब फंसाना। ये जो एक्वलेंट वर्ड है, आप लोग टेलीग्राफ न्यूज पेपर पढ़िएगा, एक अलग से पेज आता है मिसलेनियस में स्पोर्ट्स को लेकर के, स्पोर्ट्स के बारे में रहता है। तो हम टॉप में देखिएगा एक्वलेंट दिया रहता है, और नीचे एक स्पोर्ट्स मैन का पिक रहेगा, उसके बारे में नीचे लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? कि उस प्लेयर ने क्या खूब किया, क्या खूब किया, यानी वहां क्या है एक्यूरेट का मतलब? प्रशंसा। तो उस स्टेट्स में मतलब वो जो स्पोर्ट्समैन है उसका प्रशंसा, एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? प्रशंसा। आप टेलीग्राफ न्यूज पेपर खोलिए, देखिए है उसमें एक्यूरेट। तो हमको क्या करना है? एंटोनिम निकालना है। डेकोरेट का मतलब क्या होता है? वाह। प्रमोट का मतलब आगे बढ़ाना। ब्लेम दोषी ठहरा, और रेडिसेंट का मतलब होता है मौन मुक, जो खामोश रहे। तो विचारों से हमको क्या निकालना है? एंटोनिम क्या होना चाहिए? एक्विलेट का मतलब प्रशंसा, ब्लेम तो क्या हो गया? ब्लेम। एक्विलेट का क्या हो गया? ब्लेम। फिर एम्बिगुअस, उसका एंटोनिम निकालना। सिंपल, सिंपल मतलब प्लेन, सिंपल ही होता है। इजी आसान, क्लियर साफ। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो अर्थ में संदिग्ध हो, मतलब अर्थ क्लियर ना हो। जैसे मैंने कुछ बोला तो आप बोलेंगे सर जो बोले हैं वो एम्बिगुअस है, मतलब क्लियर नहीं हुआ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरा सब बात समझ में आ जाए। जैसे एक स्टूडेंट के चेहरे में मुस्कान आ गया तुरंत, तो एम्बिगुअस हुआ जो क्लियर ना हो, जो क्लियर ना हो उसको कहते हैं एम्बिगुअस। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? तो एम्बिगुअस वर्ड जो है, जो अर्थ में संदिग्ध हो, मतलब नॉट क्लियर, द मीनिंग इज नॉट क्लियर, वो जो होता है वो एम्बिगुअस होता है। उसी का ऑपोजिट हो गया क्लियर। यहां देखिए लिखा हुआ है चीफ, तो आप लोग जानते ही हैं, रैश कॉन्सेंशियस डेयरिंग, डेयरिंग होता साहसी, कॉन्सेंशियस होता है जो काम में बहुत सतर्क हो, काम करने में। चीज जानते हैं तो वैरी का मतलब क्या होता है? सजग,
जो अलर्ट रहता है उसको कहते हैं वैरी, वो सिनोनिम्स हो गया। तो जो सजग है वैरी है, तो सजग से क्या होना चाहिए, लापरवाह होना चाहिए ना, तो क्या होगा रैश। जैसे कि गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना रैशली, वो बहुत रैशली गाड़ी चलाता है, यानी लापरवाही से। जो वैरी भी चलाएगा वो सजग होकर चलाएगा धीरे धीरे। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्लासेस आज यहां खत्म हुआ। आप लोग को मैं बार बार बोलता हूं कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और आप अपने कॉलेजेज और स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह है इंग्लिश का, उसको पढ़िए और डिक्शनरी यूज करिए ज्यादा, तभी आपको और भी वर्ड्स मिलेंगे। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको सिनोनिम्स मिलेगा नहीं, और सिनोनिम्स जब मिलेगा तो फिर आपको उसको एंटोनिम्स भी मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे डिक्शनरी खरीदिए जिसमें एंटोनिम्स वगैरह भी दिया रहे डिक्शनरी में। अगर नहीं है तो आप सिनोनिम्स ही यूज करिए ना, क्योंकि उसका एंटोनिम्स वर्ड भी आ ही जाएगा पढ़ते वक्त। ओके?